हेलो फ्रेंड्स, आरती किचन 7 में स्वागत है आपका। आज हम दूध से घर पर ही मावा तैयार करेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में शुद्ध मावा नहीं मिल पाता है, मिलावटी मिलता है, तो इसलिए एकदम शुद्ध खोया हम घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो 1 लीटर हमने दूध लिया है, ये घर का दूध है। अगर आप मार्केट से दूध ले रहे हैं तो फुल क्रीम दूध लीजिएगा, उससे हमारे खोया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा निकल। तो दूध को छानकर हमने गैस पे चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पर, तो इसे हम उबलने देते हैं। तो एक उबाल आ गया है दूध में और गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पर हम दूध को पकने देते हैं और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक एक दो दो मिनट पे हमें बीच बीच में चलाते रहना है, और जो साइड में मलाई जम जाती है उसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, नहीं तो वो जलने लगेगी। तो पकते पकते दूध हो गया है आधा, और आप लोग देख सकते हैं गाढ़ा हो गया, एकदम रबड़ी टाइप का लग रहा है। तो इसको हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और एकदम नीचे तक चलाएंगे, ताकि हमारा खोया जले नहीं, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और खुशबू तो बहुत ही बेकार हो जाएगी। तो इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है दूध हमारा। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो कढ़ाई में जो मलाई चिपक गई थी उसे हम साफ़ कर लेंगे। तो दूध हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है अच्छे से। तो दूध को चलाते चलाते हमें आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लगभग 40 मिनट हो गए हैं, और एकदम बस बनने वाला है खोया। थोड़ी देर हम इसे 4-5 मिनट तक और पका लेंगे, और ये देखिए जब तक कि इसमें से अच्छे से घी ना निकलने लगे तब तक कि हमें पकाना है अच्छे से और चलाते रहना है, अब नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो दूध जब गाढ़ा हो जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो इसे हमें बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा और फिर जलने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है खोया और लगभग मार्केट जैसा बन के तैयार हो गया है, जैसे डेयरी वाले बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख लीजिए इसमें से नीचे से घी भी निकल आया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद जम जाएगा, एकदम मार्केट जैसा हो जाएगा। तो इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 8-10 दिन तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप तुरंत ही कुछ बनाना चाहते हो, पेड़ा, मिठाई या गुलाब जामुन, तो आप तुरंत ही बना सकते हो। अगर आप इस मावे से कोई भी रेसिपी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इसका टेस्ट एकदम अलग आएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसे हम एक टिफ़िन में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।